दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 9 जनवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है किसी एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं करंट अफेयर से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी 20 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 जनवरी के, तो हम उनको सभी को देखेंगे। और दोस्तों आप जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं करंट अफेयर की, और दोस्तों आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ट्रिक ट्रिक वाली। दोस्तों कुछ जो वीडियोस हैं मैंने ट्रिक्स की डाली हुई है, आप जो भी जीके हैं, जो कंफ्यूजन होते हैं याद करने में, आप वहां पे जाके सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन आती है या फिर आपके याद नहीं होता कोई भी टॉपिक, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि 2020 में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सभी आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य शामिल हैं? कितने हैं दोस्तों? 8 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों के लिए बहु प्रवेश पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है? किसने किया दोस्तों? किस देश ने? संयुक्त अरब अमीरात ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? किसका दोस्तों? नासा का। दोस्तों इसका नाम भी आप जरूर याद रखें, जो TESS की फुल फॉर्म आप जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो आप इन यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, इसकी फुल फॉर्म और ये किस एजेंसी की टेलीस्कोप है? नासा की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। किस बैंक ने तमिलनाडु के महिला उद्यमी कल्याण संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया दोस्तों? किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नागरिकता के लिए प्रवासियों की लिस्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कौन बना दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। डेनियल डी रोसी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो खेल से संबंधित होते हैं, यानी पूछ लेते हैं कि एक खिलाड़ी का नाम दे देगा, फिर उससे पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो किससे है दोस्तों? डेनियल डी रोसी, फुटबॉल से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? असम में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने, ये दोस्तों याद रखेंगे, इरडा ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने को कहा है, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किसने अपने कर्मचारियों के लिए माता पिता के समर्थन लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया दत्तक सहायता प्रोग्राम कार्यक्रम का अनावरण किया है? किसने किया दोस्तों? पेपोल ने। पेपोल दोस्तों ये US की कंपनी है, यानी कि पेपोल वो मेथड है, यानी कि एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू हम बाहर से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। उस प्रजाति का नाम बताइए जो एक्स्ट्रा कोलर विजन के माध्यम से बिना आंखों के देख सकता है, कौन देख सकता है दोस्तों? रेड पीटल स्टार। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। देश की पहली लोकसभा के सदस्य हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? क्या है दोस्तों? कमल बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द कुकूज नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? ए सेतु माधवन। द कुकूज नेस्ट दोस्तों जो 2019 की इम्पोर्टेंट बुक्स है उनपे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बुक से क्वेश्चन जरूर आता है, जो लेटेस्ट बुक होती है रिलीज हुई है उनके उससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो प्लीज आप इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 पे आते हैं। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? किसमें दोस्तों? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है दोस्तों? बोकारो।
दोस्तों जो रेड कलर में जो भी आपको दिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन में, आप उसको जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किसने जलवायु संकट से निपटने के लिए अर्थ शॉर्ट पुस्तक का अनावरण किया है? किसने किया दोस्तों? प्रिंस विलियम में, जो कि प्रिंस है कहाँ के, यूके के, इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों, बक्सा बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बक्सा बर्ड फेस्टिवल दोस्तों, आप मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, जो रेड में आपको दिखा हुआ है आप इसको भी जरूर याद करें। बक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान किस राज्य में शुरू किया है? किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। महानेवी कनेक्ट 2020। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य अपना पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कराने जा रहा है? कौन कराने जा रहा है दोस्तों? उत्तराखंड। हिम तेंदुआ सर्वेक्षण, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की है? किसने दोस्तों? आईआईटी मंडी ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, आईआईटी मंडी ने। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों, 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किस शहर में किया गया? किसमें दोस्तों? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में किस देश में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? किसमें किया दोस्तों? किस देश में किया है? बांग्लादेश में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, एक बार ये भी देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, आप जरूर 2020 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा आपको। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा 1917 मूवी को मिला है। मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा रेनी जेलवेगर, यानी कि जूडी, जूडी जो मूवी है उससे, उसमें जो ये ड्रामा थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? रेनी जेलवेगर। मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा जोकिन फिनिक्स, जोकर। आपने ये मूवी देखी देखी भी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जो ये जो उसमें जोकिन फिनिक्स थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ट्रिक्स की तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दो दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।